हैंडसम को अरबिक में बोलते हैं वसीम। क्या बोलते हैं? वसीम। वसीम का मतलब होता है खूबसूरत। उसके बाद फेट, जैसे कि मोटा, फेट को बोलते हैं समीन। समीन, दहन, शहम, तीन चार वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि मोटा आदमी, फेट मैन इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो रजल समीन। रजल, जैसे मैंने आपको बताया रिजाल, रजल, रजुल, तो इन सब का मायना होता है आदमी, है ना। रिजाल, रिजाल का मायना भी आदमी, नफर यानी लोग, बंदा। फेट मैन, रजल समीन, मोटा आदमी। अब फॉर एग्जाम्पल ये कहना है कि वो मोटा आदमी है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ही इज़ ए फैट मैन इंग्लिश में। अरबिक में क्या बोलेंगे? हुआ रजल समीन, हुआ रजल समीन, वह मोटा आदमी है, ठीक है। मतीन भी बोलते हैं मोटा को, समीन, और मतीन भी बोलते हैं। लफ्ज़ जो गुफ्तगू में यूज़ किया जाता है वो मतीन है। मतीन का मतलब मोटा, मोटा, मोटा से मुराद जैसे वो जो मोटा वाला होता है ना, वो वाला। आगे बढ़ता हूँ। बिग, बिग को अरबिक में बोलते हैं कबीर। बिग याने बड़ा, अरबिक में बोलते हैं कबीर। हाजा गुरफतल कबीर, गुरफा याने रूम, कमरा, गुरफा, ठीक है, कबीर यानी बड़ा। जैसे कि बिग ब्रदर, बड़ा भाई, भाई को बोलते हैं अखू, अखू अल कबीर, अखू अल कबीर यानी बड़ा भाई। फॉर एग्जाम्पल, वो मेरा बड़ा भाई है, इसको कैसे बोलेंगे? हुवा अखू अल कबीर मल अना, वो मेरा बड़ा भाई है, वो मुझसे बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? होवा कबीर मिन अना, होवा यानि वो, कबीर यानि बड़ा, मिन यानि मुझसे, मिन अना यानि मुझसे, वो मुझसे बड़ा है, ठीक है। बिग ब्रदर। उसके बाद और भी एक दो मिसाल दे देता हूँ बिग की। अब जैसे बिग को बोलते हैं बिगेस्ट यानी बहुत बड़ा, तो उसको बोलेंगे अकबर, है ना। जैसे अजान के अंदर या जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, तो इसका मायना होता है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अकबर। और जैसे कि यूज़ किया जाता है कि हाजा जुल अकबर, तो इसका मायना ये होगा कि यह आदमी बहुत बड़ा है। इसका मतलब एक ग्रेट भी होता है, ठीक है, ग्रेट भी होता है, बिग भी होता है। तो यहाँ पर अगर कोई इस तरह से बोले कि ही इज़ ए बिगेस्ट, बिगेस्ट मैन, जैसे इंग्लिश में बोला, और अगर इसका अरबिक में इस तरह से बोला जाए कि हुआ रजल अकबर, तो इसका मायना होगा वह बहुत बड़ा आदमी है, ये नहीं होगा। इससे मुराद होगी वह ग्रेट आदमी है, ठीक है। मजबूत है, जैसे मजबूत को बोलते हैं कवि, कवि यानि मजबूत। हाजा नफर कवि, हाजा रजुल कवि, मजबूत आदमी है ये, ठीक है। लफ्ज़ मजबूत को अरबिक में कवि बोलते हैं। अब जैसे आसान, तो आसान को अरबिक में बोलते हैं सहल। हाजा इस्तकल फी सहल, ये काम आसान है, या इस काम को करना आसान है ना। दिस वर्क इज़ वेरी इजी, ये काम बड़ा आसान है। अब जैसे बोलते हैं कि ये काम मुश्किल है, मतलब आसान नहीं है, जैसे बोलते हैं ये काम आसान नहीं है, तो इसको इस तरह से बोलेंगे हाजा शगल माफी सहल, ये काम आसान
नहीं है। आसान, फिर मुश्किल को भी चेक कर लेता हूँ मैं, मुश्किल को क्या बोलते हैं? मुश्किल को बोलते हैं साब, साब, साब यानि मुश्किल। हाजा शगल माफी सहल, हाजा साब यानि ये काम आसान नहीं है, ये काम मुश्किल है। ओके, मुश्किल समझ में आ गई। आगे बढ़ता हूँ, सच, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं हकीकत, तो अरबिक में हकीका यानि सच। और जो सच्चा है, मान लीजिए कि कोई बात है जैसे सच्चा या सच्ची, तो उसको बोलते हैं सिद्क, सिद्क यानि सच्चा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बोलते हैं कि ये बंदा सच्चा है, तो ये बोलेंगे हाजा रजल फी सदक, फी सदक या ये कलाम अल सदक, उसकी बात सच्ची है। ठीक है, सिद्क का मतलब होता है सच्चा या सच। और अगर झूठ की बात की जाए तो झूठ को बोलते हैं अरबिक में कज़्व, कज़्व यानि झूठ, कज़्ज़ाब यानि झूठा, सिद्क यानि सच, सिद्क यानि सच। और अगर वो सच्चा है तो उसको बोलेंगे सिद्दीक, सिद्दीक का मायना होता है सच्चा, और कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठा। तो अब जैसे कि वो आदमी सच्चा है, तो हाजा रजल सिद्दीक या सिद्दीक, हाजा रजल सिद्दीक या हाजा नफर सिद्दीक। ठीक है, इसका मायना होगा ये आदमी सच्चा है। अब ये है कि ये आदमी झूठा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाजा रजल कज़्ज़ाब यानी ये आदमी झूठा है। अब जैसे बोलते हैं कलाम, कलाम सिद्क, कलाम सिद्क, सच बोलो, सच बोलो। माफी कज़्ज़ाब यानी झूठ मत बोलो, माफी कज़्व यानी झूठ मत बोलो, ला कज़्वुन झूठ नहीं बात करना। ठीक है, ये तीन चार वर्ड इसके मायने हो गए। आगे बढ़ता हूँ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम बिजी, अरबिक में बोलते हैं मशगूल। क्या बोलते हैं? मशगूल। जैसे बिजी डे, यौमल मशगूल, हाजा यौमल मशगूल, ये दिन जो है वो बिजी था। अना मशगूल हाजा यौम, मैं इस दिन बिजी था। अना मशगूल यौमल आहद, मैं इतवार के दिन बिजी रहूँगा। ठीक है, अना मशगूल यौमल जुमा, मैं जुमा के दिन मशगूल रहूँगा। अना मशगूल फिल बैत, मैं घर पर मशगूल रहूँगा। घर को बोलते हैं बैत, बैत यानि घर जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो ये बिजी हो गया। उसके बाद शॉर्ट, शॉर्ट का जो मायना होता है इंग्लिश में वो होता है छोटा, अरबिक में बोलते हैं कसीर, कसीर यानी छोटा। तीन चार वर्ड होते हैं इसके, कसीर भी बोलते हैं, कसीर का मतलब छोटा, सगीर भी बोलते हैं, सगीर का मतलब भी छोटा। ठीक है, तो जहाँ भी लफ्ज़ छोटा यूज़ करने की ज़रूरत आए तो वहाँ पर आप लफ्ज़ कसीर या लफ्ज़ सगीर यूज़ करेंगे। जैसे कमज़ोर, अल अज़्म, अल अज़्म यानि कमज़ोर, ये बंदा बहुत कमज़ोर है, ये बंदा बहुत कमज़ोर है। इसको अरबिक में किस तरह से बोलेंगे? हाजा रजल अल अज़्म, हाजा रजल अल अज़्म, ये बंदा बहुत कमज़ोर है। बहुत को जिद्दन भी बोलते हैं।
आगे बढ़ता हूँ। झूठ, झूठ झूठ को बोलते हैं ज़ाइफ। क्या बोलते हैं? ज़ाइफ, कज़्व। कज़्व का मायना भी झूठ होगा।